स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से पहले हम डिस्कस करते आए हैं रेडियो एक्टिविटी को कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और रेडियो एक्टिव को मैं यहाँ पे आरे से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं, ठीक है। रेडिएशंस को मैं यहाँ पे आर ए डी से मेंशन कर रही हूँ। रेडिएशंस को एमिट करने के बाद वो स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सर ये जो हमारे पास रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, ये सेम टाइप की नहीं होती हैं और ये डिफरेंट टाइप की होती हैं जिन्हें नेम दिया जाता है अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेज। तो सर इस लेक्चर से पहले हम अल्फ़ा और बीटा रेज को डिस्कस कर चुके हैं कि वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो गैमा रेज होती हैं वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैसेस के साथ उनका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं इनके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है, चार्जलेस होते हैं, ठीक है, और मैसलेस होते हैं, मैसलेस, ठीक है, और उन्हें कहा जाता है फोटॉन्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैमा रेज हैं वो इन फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं जो कि चार्जलेस और मैसलेस होती हैं। दैट मीन्स कि उनका मैस भी नहीं होता और ना ही चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं ये मैटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं, ये तीन तरीकों से इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास मेथड आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक मेथड हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस में ये होता है कि जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती हैं मैटर के अंदर, एब्जॉर्ब होती हैं मैटर के अंदर, ठीक है, और इनके एब्जॉर्ब होने के बाद एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये प्रोसेस तब होता है कि जब हमारे पास जो गैमा रेज हैं उनकी जो हमारे पास एनर्जी है वो कितनी हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि गैमा रेज की जो एनर्जी है वो लेस देन 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो तब ये हमारे पास प्रोसेस होता है जो कि कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास आता है इन गैमा रेज के लिए जिसके थ्रू ये इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, वो कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। और इस इफेक्ट के अंदर जो गैमा रेज होती हैं, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रॉन से। गैमा रेज डिफ्लेक्ट होती हैं मैटर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से बाय इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, ठीक है, इन एटम्स। और ये जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं जिनके अंदर फोटॉन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं अपने एनर्जी को, ठीक है, गैमा रेज ट्रांसफ़र सम एनर्जी, ठीक है, अपनी कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कॉम्पटन इफेक्ट का, ये हमारे पास तब होता है कि जब हमारे पास जो गैमा रेज की एनर्जी है वो होती है 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। तो सुनिए जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस होता है वो कहलाता है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। और इस प्रोसेस के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास गैमा रे होती है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गैमा पार्टिकल होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, ठीक है, नियर टू अ न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस के नज़दीक ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस के लिए जो हमारे पास गैमा रे की जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू गैमा पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। तो ये जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं इनके अंदर जो फोटॉन्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और स्टूडेंट्स, गामा रेज के लिए जो टिपिकल सोर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, टिपिकल यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो टिपिकल सोर्स यूज़ किया जाता है गामा रेज को हासिल करने के लिए वो कहलाता है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट एलिमेंट को यूज़ किया जाता है और कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो होता है 60, जो कि हमें शो करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास इक्वल है 60 के। और स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं इनके अंदर जो फोटॉन्स होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है। जब वो चार्जलेस होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास गैमा रेज है ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इनका जो पाथ है वो इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं होता किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया है और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया है। और उसमें साथ ही हमने देखा कि ये जो हमारे पास फोटॉन्स होते हैं चार्जलेस भी होते हैं और मैसलेस भी होते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी आयनाइजेशन पावर होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आयनाइजेशन है वो उनकी बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। और ये जो आयनाइजेशन करते हैं वो करते हैं 1/100 ऑफ बीटा रेस, ठीक है। यानी कि जितनी आयनाइजेशन बीटा रेस करती हैं उनके 1/100 टाइम्स ये आयनाइजेशन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इनकी आयनाइजेशन पावर तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके मुकाबले में जब इनकी पेनिट्रेशन पावर डिस्कस की जाए, यानी कि कितना फासला तय करते हैं एक मटेरियल में, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो इनकी पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है, किसी मटेरियल में पेनिट्रेशन इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इवन के ये इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आयरन ब्लॉक्स हों, ठीक है, आयरन ब्लॉक्स हों हमारे पास 30 सेंटीमीटर्स के, ठीक है, 30 सेंटीमीटर्स के आयरन ब्लॉक्स हों तो उनमें से भी ये आराम से गुजर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं गामा रेज की। इनसे फर्दर प्रॉपर्टीज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।